Kulasa Ngarang, Kulasa Ngarang. Amra pipes Gorkhaland. Gorkhaland, Gorkhaland. Amra pipes Gorkhaland. Gorkhaland, Gorkhaland. Amra pipes ke ho phani do. Phani do, phani do. Jodi kaka banta chop do. Chop do, chop do. बेसिकली पुतला दहन भन्दा यो पुतला यात्रा कार्यक्रम हो अनि किनभने बीजेपी केन्द्रमा रहेको जुन सरकार छ त्यो सरकारले पटक पटक हामीलाई आश्वासन दिए तापनि अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ जिटिए चुनावको चलखेलहरू भइसक्यो अब जनता काहीँ न काहीँ जनतालाई जबरजस्ती यो नरुचेको गाँस जिटिए नै पोचार्ने हामीले जुन एउटा राजनीतिक चलखेल देखिरहेको छौँ त्यति बेला पनि जुन आश्वासन दिएर जुन आस्था स्वरूप जनताले भोट दिएको थियो त्यो भोटको कुनै मूल्याङ्कन भएको छैन र यस्तो समयमा चाहिँ हामीले लाग्छ केन्द्रमा रहेको सरकार उनीहरूका गठबन्धन र तमाम अरू राजनैतिक दल जसले बिजेपीप्रति आस्था देखाएका थिए ती तमाम भोटरहरू जसले बिजेपीलाई भोट दिएका थिए सबै अब सडकमा आएर यदि प्रतिवाद गरेनौँ भने आगामी जुन 5 वर्ष छ हामीलाई जिटिए नै कोचार्ने जुन चलखेल देखिरहेको छ अनि त्यसकै निम्ति उहाँहरूको मौनता तोड्नको निम्ति हामीले यो यात्रा सुरु गरेका हौँ कालेबुङबाट सुरु भयो किनभने कालेबुङ बिजेपीको र आरएसएसको गढ थियो त्यसपछि दार्जिलिङ अब खरसाङ मिरिक हुँदै सिलगढी पलवा राजेश्वर र दिल्लीसम्म जान्छौँ त्यसले गर्दा पुतला हाम्रो यथावत छ यही पुतला लिएर जान जान्छौँ यो यात्रा यो जिटिए चुनावलाई लिएर भोलि अल पार्टीलाई मिटिङमा बोलाइएको छ र सुन्नुमा आइरहेछ तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ बोलाइएन भन्ने यसमा कस्तो भने हामीले त अहिलेसम्म सेन्ट्रल कमिटी गठन पनि गरिसकेका छैनौँ एक महिना पनि भइसकेको छैन पार्टीको नाम घोषणा गरेको अहिले नाम मात्र घोषणा भइसकेको छ इलेक्सन कमिसनमा हामीले कुनै पत्राचार पनि गरेका छैनौँ स्थानीय अधिकारीहरू समक्ष हाम्रो कुनै सेन्ट्रल कमिटीको डकुमेन्टेसनहरू पनि पठाएको छैनौँ त्यो रेजिस्टरमा अहिले आइसकेको छैन नेक्स्ट जति बेला अब अर्को चुनावहरू हुन्छ त्यति बेला तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले इनिसियल स्टेजमा छ भर्खरै त एक महिना पनि भएको छैन यो जिटिए चुनावले तपाईँहरू के योपालि जिटिए चुनावमा तपाईँहरू भागीदार हुनुहुन्छ होइन चुनावमा हामीले सिधा स्पष्ट कुरा राखेका थियौँ जति बेला चुनावको सङ्केत हामीले पायौँ त्यति बेला नै जनताको जुन मुद्दाहरू थियो त्यसलाई सेटलमेन्ट गरिएको छैन अडिटै भएको छैन पुरानो फन्डहरूको त्यसले गर्दा नयाँ कमिटी आउनु भनेपछि जनताप्रति अन्याय हुन्छ यो अनडेमोक्रेटिक हुन्छ भनेर हामीले स्पष्ट अडान राखेका छौँ सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई हामीले चाहिँ पत्राचार पनि गरिरहेका छौँ त्यस विषयमा त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ अहिले यो जिटिए चुनाव यो जुन स्थिति छ यो स्थितिमा त सही होइन अनि कमसेकम राज्य सरकारले कतिपय मुद्दाहरू छ जुन मुद्दाहरूमा विद्युतको भयो जनताको केसेसहरू भयो अडिटहरू भयो यसलाई सेटल नगरिकन जनताले प्रति यो जबरजस्ती दुर्व्यवहार हुँदैछ अन्याय हुँदैछ अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस हो अहिले नै जिटिए चुनाव चाहिँ तर त्यो मुद्दाहरूलाई सेटलमेन्ट गरायो भने मात्र अरू कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मागहरू छ हाम्रो बिजेपी पार्टीले पनि जिटिए चुनावलाई रद्द गर्नुको लागि अल पार्टी मिटिङ कल गरेको छ यसमा तपाईँहरूले के गर्नु बिजेपी पार्टीले चुनाव रद्द गर्नु अल पार्टी मिटिङ होइन बिजेपी पार्टीले चाहिँ पिपिएस घोषणा गर्यो भने उनीहरूले कुनै एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन एकदमै सजिलो छ उहाँहरूलाई पिपिएस गर्नु पनि पर्दैन हामीले सोचेको पिपिएस यो हो भनेर घोषणा गरिदियोस् पब्लिकले जिटिए चुनाव एकजनाले पनि भोट हाल्दैन अनि त्यस्तो स्थितिमा उहाँहरूले अल पार्टी मिटिङ गर्नु भनेको ढाँट्दैछ भन्ने स्पष्ट हो त्यसकै निम्ति यो पुतला हो हजुर यो कालेबुङबाट सुरु भयो अहिले दार्जिलिङ त्यहाँबाट खरसाङ मिरिक सिलगढी राजेश्वर त्यहाँदेखि दिल्लीसम्म पुग्छौँ त्यसले गर्दा पुतला दहन होइन यो पुतला यात्रा हो यात्राको आज दोस्रो दिन हो आजको हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँ आएर अन्त हुन्छ र आगामी कार्यक्रम चाहिँ हामीले खरसाङमा तय गरेका छौँ र हामी यो कार्यक्रम कहिले खरसाङमा छ खरसाङमा खरसाङमा केन्द्र समिति पछाडि नै हुन्छ दार्जिलिङ सिलगढी उत्तर बङ्गाल भारतीय जनता पार्टीके संगठनके तरफसे उत्तर बङ्गाल अलग राज्यके माग कर रहे संगठनके लोग और सरकारमे भी वही लोग बैठे हुए हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि उत्तर बङ्गाल अलग राज्य हुनेसे गोर्खाउँका आकांक्षा जो गोर्खाउँका आइडेन्टिटी सर्वभारतीय स्तरका गोर्खाउँका राष्ट्रिय पहिचान कैसे बोध होगा ये हम लोगों को जता दीजिए बता दीजिए जब तक हम लोगों का चिनारी का जो
समस्या है, ये समस्या समाधान जब तक नहीं होगा तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी गोरखा समाज इसी तरीका से दार्जिलिंग पहाड़ तराई डुवर्स होते हुए पूरा समग्र भारत भर में आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन आंदोलित होते रहेंगे। और ये छोटा मोटा व्यवस्था देके हम लोगों का आँख में धूल झोंकने का काम भारत सरकार बंद करे। माननीय सांसद महोदय राजू विष्ट जी, आप भी अनाप शनाप बकते हो, आप भी इस चीज़ को बंद करो। आपको हम लोगों ने उस टाइम से बोलते हुए आए, हम लोगों का जो चिनारी का समस्या है वो समस्या के ऊपर में आप बात करिए, पार्लियामेंट में वो चीज़ को आवाज़ उठाइए। जीटीए में भ्रष्टाचार हुआ, जीटीए में काम नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, मेरा क्षेत्र में गार्डन बंद हो रहा है, ये मूलभूत समस्या है। लेकिन ये सब समस्या का समाधान के लिए ही तो हम लोग पटक पटक आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन क्या निचोड़ तभी होगा जब तक सर्वभारतीय स्तर में गोरखाओं का चिनारी बोध करने का कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं मिलेगा। राज्य भी एक व्यवस्था है, और हम लोग यहाँ पे क्यों गोरखालैंड का मांग गुंजा रहे हैं, क्योंकि उत्तर बंगाल में शोषित वंचित पीड़ित हर समाज है, लेकिन उसमें भी अवहेलित गोरखा समाज है। आज गोरखा समाज का इतना बड़ा इतना ज़्यादा समस्या है, क्या बोले, ये आप लोग समझते हैं। और हम लोगों को ये विश्वास है, विश्वास उग गया तभी आपका नज़र ध्यान आकर्षण गोरखाओं के समाज गोरखा समाज के ऊपर में लगाने के लिए जूता का माला पहना के हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ा। ये बाध्यता भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने ही खड़ा किया हुआ है। पीपीएस की बात तो मुख्यमंत्री ने भी की थी, उन्होंने भी आश्वासन दी थी, लेकिन अभी वो तो जीके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? पीपीएस मुख्यमंत्री का पीपीएस वही जीटीए है, तभी तो ना मुख्यमंत्री जी ये इस चीज़ को लेके मतलब दिन प्रतिदिन यहाँ पे विरोध हो रहा है। जो जनसाधारण है वो जनसाधारण जीटीए नहीं चाहता है, फिर भी दीदी कहीं ना कहीं ये देखिए जबरदस्ती पहाड़ हंस रहा है, बोल रहा है पहाड़ में एक शांति है, हम लोग बोलते हैं शमशान शांति। बीजेपी हम लोगों का स्टैंड देखिए, जिस टाइम में मुख्यमंत्री चौरास्ता में आके बोल रही थी कि हम जीटीए चुनाव कराएंगे, तब से यहाँ पे पहाड़ में रहे हुए समग्र गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जो दीदी के साथ में मिलके विकास करने वाले लोग थे वो लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग उसी टाइम में जीटीए नहीं, हम लोगों को चिनारी का जो समस्या है मूलभूत समस्या उसको समाधान चाहिए। विकास डेवलपमेंट ये एक जगह में है, लेकिन इस चीज़ को सरकार जितना जल्दी समझे, भारतीय गोरखाओं का चिनारी का समस्या एक ठो है और दार्जिलिंग पहाड़ तराई डुअर्स का डेवलपमेंट का विषय एक ठो है, ये दो विषय अलग अलग विषय है। ये जितना जल्दी सरकार समझेगी उतना जल्दी अच्छा होगा हम लोगों को लगता है। और जो जनसाधारण पहाड़ का गोरखा समाज है ना, ये शहीद नहीं बनेगा सेंटिमेंट में आके। ये पहले तो विषय को दो अलग अलग कर दिया है, हम लोग बता रहे हैं बहुत दिन से बता रहे हैं, ये सरकार समझ भी लिया है, लेकिन सरकार हम लोगों को थोपने का काम करता है, ये थोपने का काम बंद करना चाहिए। और जो बंगाल सरकार का पीपीएस है वो पीपीएस से गोरखाओं का जन आकांक्षा पूरा नहीं होगा। विकास डेवलपमेंट बात दूसरा है, और चिनारी, और हम लोगों का स्टैंड चिनारी के लिए है, और पार्टी में पद बड़ा नहीं होता है, डेडिकेशन होना चाहिए। और काम जो हम लोग जिस संकल्प लेके आगे आए हुए हैं, ये संकल्प को हम लोग लक्ष्य जो हम लोग भेज रहे हैं वो लक्ष्य तक पहुंचाने का हमारा काम है। तो इसका जो प्रभाव है जी, ना रेस्पॉन्स अभी ये प्रभाव तो हम कैसे बताएंगे? देखिए हम लोग तो कार्यक्रम कर रहे हैं ना, इसका प्रभाव क्या आ रहा है वो तो आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग मीडिया चलाते हैं और जनसाधारण समझ रहे हैं कि ये लड़का लोग जो भी कर रहे हैं जाति चिनारी के लिए कटबद्ध होके कर रहे हैं। पर इसमें एक ठो चीज़ है हमारा, अभी सोशल मीडिया में मतलब ये इसका टीम, ये इसका आदमी, ये इसका एजेंसी, उसका एजेंसी करने वाले लोग घर में बैठ के दोष आरोप लगाते हैं।
काइंडली आप लोग भी घर में बैठ के फेसबुक के जरिया से दोष आरोप मत लगाइए। आप लोगों को भारत देश में चिनारी चाहिए गोरखाओं को, तो आप लोग भी हमारा इस कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। कल सिटी इलेक्शन के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया, क्या आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? अगर जीते चुनाव इसके बारे में क्या बोलेंगे? ना ये हमारा जो है संगठन का अंदर का बात है, इसके लिए कि हम अभी कुछ देर पहले शर्मा साहब ने इसके विषय में खुलासा किया हुआ है, वो स्टैंड में हम लोग कायम है। ओके, हम कार्यकर्ता है।